एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा वी व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फेस ग्लो सीरम, जो मैं घर पे बनाती हूँ, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। यार मुझे पसंद है कि जो चीज़ मैं अपनी स्किन के लिए कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बाज़ार में तो बहुत सारे सीरम्स अवेलेबल हैं, लाइक इतनी इतनी सी बॉटल्स आपको मिल जाएगी, 400, 500 एंड उससे अबव किसी भी कॉस्ट पर मिल जाएगी, बस उससे बेलो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो ये मैंने अपना घर पे बनाया हुआ है फेस ग्लो सीरम, तो मैं उसको आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी एंड आई होप आप सबको पसंद आएगा। एंड देखो, पहले मैं बताती हूँ कि सीरम्स होता क्या है। सीरम वो होते हैं जो हम मॉइस्चराइज़र लगाने से पहले यूज़ करते हैं, राइट। यानी कि हमने फेस वॉश किया, फेस वॉश के बाद अप्लाई करना है हमें टोनर, टोनर के बाद अप्लाई करना है सीरम एंड देन मॉइस्चराइज़र, देन सनस्क्रीन एंड बाकी का। एंड नाइट टाइम का क्या रूटीन होगा हमारा? नाइट टाइम का होगा हमारा रूटीन फेस वॉश, देन आपको लगाना है टोनर, टोनर के बाद आपको यूज़ करना है सीरम, देन मॉइस्चराइज़र एंड लिप बाम। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीरम्स होते क्या हैं। सीरम वो होते हैं जो हमारे स्किन को ना हाइड्रेट करते, लाइक मॉइस्चराइज़र्स तो हैं, ठीक है, बहुत सारे मॉइस्चराइज़र हैं मार्केट में, बट सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मॉइस्चराइज़र हमारे स्किन पे जाते तो हैं, लाइक मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया बट स्किन के अंदर क्या, बट उतना अंदर जाके उसको पेनिट्रेट नहीं करता है जितना ये हमारे ग्लो सीरम जाते हैं। तो ग्लो सीरम लगाना बहुत ज़रूरी है एंड अपने मेकअप के समय एंड डेली अपनी स्किन केयर कर रहे हो ना, तो सीरम को कभी स्किप मत किया करो। एंड मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ एंड मुझे पसंद है कि मैं आप सबके साथ इसको शेयर करूं। मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताऊंगी, आप खुद सोचोगे कि हाँ इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, आप सबके आपके स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। तो मैंने इसमें सबसे पहले डाला है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको पता है कितना बेनिफिशियल होता है हमारे स्किन के लिए, सन टैनिंग से बचाता है, जितने भी हमारे ना यूवी रेस पड़ते बाहर जाते हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, सब खत्म करता है। फिर मैंने इसमें डाला है मैंने ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारे स्किन का स्ट्रक्चर सही करती है, स्मूथ बनाती है, फ्रेश रखती है। फिर मैंने इसमें डाला रोज़ वाटर। रोज़ वाटर हमारे स्किन का जो पीएच लेवल मेंटेन करती है, मेकअप करने से क्या होता है हमारे स्किन का पीएच ना अप डाउन हो जाता है, तो उसको मेंटेन करती है। फिर मैंने इसमें डाला है विटामिन ई की 1 कैप्सूल। अगर आपकी ओवर ड्राई स्किन है तो आप 2 कैप्सूल भी आप यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसमें 1 कैप्सूल यूज़ किया है। तो विटामिन ई आपको तो पता ही है हमारे स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है विटामिन ई, ठीक है, उसका जो ऑयल होता है, तो वो मैंने 1 ऐड करी है। फिर मैंने इसमें डाला है रोगन बादाम शिरिंज। आई नो कि आप सबको पता है कि रोगन बादाम शिरिंज हमारे फेस के लिए कितना बेनिफिशियल होता है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है ना हमारे फेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने ये 5 चीज़ें डाली अपने फेस ग्लो सीरम, जिससे मैंने ये सीरम बनाया है। तो मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगी, मैं आपको उसको लगा के दिखाऊंगी, आपको अपने हैंड्स पे भी पहले उसको लगा के दिखाऊंगी, फिर मैं आपको इसको अपने स्किन पे लगा के दिखाऊंगी। वो तो हम सीरम्स हमारे स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, सबको ख़त्म करता है, हमारे पिगमेंटेशन को, सन टैन को, लाइक माउथ एरिया में जो ये पिगमेंटेशन हो जाती है ना, उसको भी ख़त्म करता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इसे डेली यूज़ करिए। 2 टाइम आपको यूज़ करना है, एक मॉर्निंग में और एक नाइट टाइम में। आप ओवरऑल आपके स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, आप खुद देखोगे आपको फ़र्क नज़र आएगा, आपका स्किन टोन सही हो जाएगा, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, सन टैनिंग की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, एक्ने मार्क्स नहीं जा रहे हैं। आप इसको ट्राई करो, एक बार बनाओ, 1 हफ्ते का मार्जिन दे के चलो, बहुत ज़्यादा डे का नहीं, फिर आप 1 हफ्ते के बाद आप उसको फिर से फ्रेश बना लेना, 1 हफ्ते बाद तक आप उसको चलाओ, फिर आप उसको बनाओ एंड आप खुद देखोगे आपकी स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब गायब हो जाएगी। आपको खुद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे आपकी स्किन ग्लो करेगी एंड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तो चलो, बहुत बात हो गई, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसको बनाना, तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मेरे पास ये स्मॉल टब रखा था, तो मैं इसी पर अपना फेस ग्लो सीरम बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एलोवेरा जेल। अब आप सबको पता है एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए कितना इफ़ेक्टिव है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ख़त्म करता है, एक्ने की प्रॉब्लम ख़त्म करता है, सन टैन को भी हटाता है पूरी तरह से, मतलब फेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ना आपको सब रिमूव करता है। इसलिए मैं 1 टेबल स्पून इसमें एलोवेरा लूँगी,
क्योंकि ठीक है मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा जो फेस ग्लो सीरम मैं बना रही हूँ उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। उसके बाद ये मैं ले रही हूँ रोज़ वाटर। आपको तो पता ही है स्किन का पीएच लेवल मेंटेन करता है। होता क्या है मेकअप करने से हमारा स्किन का जो पीएच लेवल होता है वो अप डाउन हो जाता है, तो ये ना जस्ट उसको मेंटेन करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इससे आपका फेस जो है रिफ्रेश रहता है। ऐसे देखा हो ना कभी बहुत ज़्यादा फेस डल डल सा लगने लगता है, तो जस्ट स्प्रे किया एंड वाइप आउट किया एंड पूरी जो डर्ट रहती है सारी की सारी आउट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र की तरह काम करता है। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो भले ही कम डालना, लेकिन डालना ये पांचों चीज़ें ज़रूर, बहुत इफ़ेक्टिव है। आपको खुद लगेगा सारी जितनी आपकी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम सब दूर हो जाएगी। तो मैंने भी हाफ ही लिया है इसको, तो आप हाफ यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद मैं ले रही हूँ रोगन बादाम ऑयल। हमदर्द का है ये रोगन बादाम ऑयल। आप बालों वाला मत यूज़ करना क्योंकि डियर वो बालों के लिए होता है, फेस का अलग होता है, ये फेस वाला है। वैसे आप इसे दोनों में लगा सकते हैं, बालों में भी और फेस में भी, बट वो वाला फेस पे मत यूज़ करना। इसको ऑयल लगाने से स्किन में जो ना ग्लो आता है, इसलिए मैं इसे ड्रॉपर से ले रही हूँ। ये ड्रॉपर इसके साथ नहीं मिला था, अलग से ड्रॉपर मैंने लिया था, इसलिए मैं जस्ट 3 ड्रॉप्स इसमें ऐड करूँगी। इनफ है 3 ड्रॉप्स। स्किन को हेल्दी बनाता है, डार्क सर्कल की प्रॉब्लम ख़त्म करता है। SPF 5 होता है रोगन बादाम ऑयल में, जो है ना स्किन को मेंटेन करता है, धूप से जो जलन होती है उसको बचाता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 विटामिन E कैप्सूल। और ये ड्राई स्किन वाले एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखें, अगर उनकी स्किन ओवर ड्राई है ना, जैसे स्क्रैच पड़ने लगते हैं, ठीक है, तो आप 2 कैप्सूल ना बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने यहाँ पर 1 कैप्सूल ही ऐड डाली है क्योंकि मेरी नॉर्मल स्किन है, ओवर ड्राई नहीं है, इसलिए मैंने इसमें 1 कैप्सूल ऐड करी है। आप 2 कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी 5 चीज़ें इसमें डल चुकी है, अब मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। आप लोग खुद इसका बनाना, इसको यूज़ करना, मार्जिन लेके चलो, 1 वीक का मार्जिन लेके चलो, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप इसका कलर देखो गाइस, कितना लाइट ग्रीन सा कलर है। इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी आ रही थी रोज़ वाटर की, ग्लिसरीन की, मतलब बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस आ रही थी, ठीक है। अच्छे से आपको सबको मिक्स करना है ताकि कोई भी चीज़ ना अलग अलग ना रहे, सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। अब मैं आपको उसको अपने हैंड्स में लगा के दिखाती हूँ। देखो डियर, मतलब लगेगा ही नहीं कि सीरम है, इतनी जल्दी पेनिट्रेट होता है स्किन में। देखो एकदम से ग्लो आएगा और आपकी स्किन को रिफ्रेश रखेगा। सोचो अगर आप ओवरनाइट इसे लगाओगे या डे टाइम में भी आप इसे ओवर टाइम लगाओगे, तो आप देखो ऑल टाइम लगाओगे तो देख कितना इफेक्ट आएगा। देखो लग रहा है कभी कि मैंने कुछ सीरम वगैरह लगाया है। नाउ मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड अभी मैंने फेस पर कुछ लगाया है। अब मैं अप्लाई करूँगी अपना सीरम जो मैंने बनाया था। काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, रोज़ वाटर की आ रही है, ग्लिसरीन की आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है फ्रेग्रेंस। हर स्किन टाइप वालों के लिए है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आप 16-17 ईयर्स के भी हो ना तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और उससे जो बड़े लोग हैं वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। आपको अपने आईज एरिए पे अच्छे से लगाना है, क्योंकि जिससे जितने भी अगर आपकी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है ना तो वो ख़त्म हो जाएगी। मैं लिप्स पे भी लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है कि जो चीज़ मैं अपने फेस पे लगाऊँ वो चीज़ मैं लिप्स पे भी ज़रूर अप्लाई करती हूँ। एंड ये तो एकदम नेचुरल है, तो आप इसको बड़े आराम से अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं। रोज़ वाटर, ग्लिसरीन है, बादाम शीरीन है। एंड हाँ, आपको ध्यान रखना है ये कि आपको वो बालों वाला नहीं लगाना है, क्योंकि बालों का अलग होता है एंड फेस के लिए अलग होते हैं। तो ये वाला जो मैंने बताया है हमदर्द का रोगन बादाम शीरिंज, ये आप फेस पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको अच्छे से अपने आईज एरिया, अंडर आई एरिया पे लगाना है, अपनी आईब्रोज पर, टोटल मिला के आपको अच्छे से पूरा फेस कवर करना है। राइट नाउ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई लग रही है। आप बड़े आराम से इसे घर पे बना सकते हैं, आपको ज़्यादा मार्जिन नहीं लेके चलना है, 1 वीक का लेके चलना है। 1 वीक तक आप बनाइए एंड इसके बाद आप अपना, अगर ख़त्म हो गया आपके पास तो आप दूसरा बना। राइट नाउ मेरी स्किन मुझे बहुत स्मूथ लग रही है, आप देखिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी स्किन पे, इस समय एकदम स्मूथ एंड ग्लोई लग रही है। अगर आप इसे ओवरनाइट लगा के, जस्ट आपको सोना है और फिर आपको सुबह उठ के नॉर्मल वाटर से फेस वॉश कर लेना है। आप चाहे तो आप इसे डे टाइम में भी कैरी कर सकती हैं मेकअप लगाने से पहले। आप देखिए मेरी स्किन
अगर आप इसे रोज़ लगाएंगी तो बहुत जल्दी आपके स्किन से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है ना बिल्कुल दूर हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल भी आपको इससे शिकायत नहीं होगी कि कुछ नहीं है करेगा, बिल्कुल 100% ये काम करेगा। एंड आप मेरे स्किन पे तो अभी देख ही सकते हैं। सो दिस वॉज द डेमो। तो देखा आपने फ्रेंड्स कितना इजी इसे बनाना, एंड ऑयली स्किन वाले भी इसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगा सकते। लाइक आपको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है बट बनाना ज़रूर है, क्योंकि आपकी स्किन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को ये दूर कर देगी। आप खुद देखोगे आपको डे बाय डे आपको स्किन का अपना टेक्सचर आपको समझ में आएगा कि कितनी स्मूथ हो गई है पहले से, कितनी ग्लोई हो गई, आपको फ़र्क नज़र डेफिनेटली आएगा। एंड आई होप कि जो मैंने सिरम आपको फेस ग्लो सिरम बताया है आप सबको बहुत पसंद आया होगा, एंड आप सब लोग ज़रूर इसे बनाओगे एंड अपने रूटीन में इसे इंक्लूड करोगे, ठीक है। तो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जितने भी ऐसे वीडियोस लाती हूँ अच्छे अच्छे, चाहे वो DIYs हो, हेयर केयर हो, स्किन केयर हो, तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आए। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।